शास्त्र वेद संत काम क्रोध लोभ को शत्रु कहते हैं और फैक्ट भी है। मृत्यु लोक ही नहीं, स्वर्ग के देवता लोग भी इन तीनों से परेशान हैं। ब्रह्म लोक तक माया का अधिकार है, जहां तक माया का अधिकार है वहां तक ये काम क्रोध लोभ अपना अधिकार रखते हैं, सबके ऊपर हावी हैं और सब दुखी हैं। हमारे संसार में तो कोई बड़ा आदमी है ही नहीं, जिसको लोग बड़ा कहते हैं वो बहुत छोटा सा है। जो स्वर्ग का सम्राट है इंद्र, वो भी दुखी है काम क्रोध लोभ से। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा बनना चाहता है। जैसे हमारे यहां एक मामूली सा एमएलए मिनिस्टर बनना चाहता है, मिनिस्टर बन गया तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, फिर पीएम बनना चाहता है। ये बीमारी जैसे हमारे लिमिटेड संसार में है, ऐसे स्वर्ग में भी है। वहां भी कामनाएं जल रहा है एक आदमी आगे वाले को देखकर। जैसे हमारे यहां मोटरसाइकिल वाला कार को देख के कहता है जा रहा है, ऐसे ही स्वर्ग सम्राट भी ब्रह्मा के ऐश्वर्य को देखकर ईर्ष्या करता है। हमारे मृत्युलोक में कोई तपश्चर्या करता है, ध्रुव हैं, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने वाले हुए दिलीप रघु, उनके यज्ञ को भ्रष्ट करो हमारा पद छीन लेगा, स्वर्ग की अप्सराएं भेजो। ये जैसे हमारे संसार में मृत्युलोक में होता है ऐसे ही वहां भी सब है। तो ये काम क्रोध लोभ बहुत बड़े शत्रु हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा था काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादे तत्रयम त्यजेत, ये तीनों दुश्मन हैं, इनको बाहर करो, अंदर ना आने दो। लेकिन कैसे करो, कैसे करो? इम्पॉसिबल। इनकी माँ है माया, जब माया जाएगी तब ये सब इकट्ठे चले जाएंगे। जब तक माया है तब तक एक भी नहीं जाएगा, इनका संबंध है। जैसे काम, कितने प्रकार का काम होता है? पांच प्रकार का काम, माने कामना, इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना। आंख के देखने की इच्छा, मम्मी को देखे, पापा को देखे, बीबी को देखे, पति को देखे, बेटा बेटी देखे। अरे अब तो और आगे चले गए, चंद्र लोग देखे, सूरज लोग देखे, खोपड़ा लोग देखे,
बड़ी बड़ी प्लानिंग हो रही है, फिर भी एंड नहीं, क्योंकि अनंत विश्व है। मनुष्य की आयु कितनी वो कभी नहीं देख सकता। इसी प्रकार सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं, छठी कोई चीज नहीं। यही पांच कामना हम करेंगे, करते हैं, चाहे मटेरियल जगत के लिए करें, चाहे स्पिरिचुअल के लिए करें। वो बड़े बाबा जी संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, अम्बरीश हैं, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, जगत गुरु हैं, सब इसी पांच के अंदर हैं। वो श्याम सुंदर को देखने को व्याकुल है, उनको चिपटाने को व्याकुल है, और हम लोग मम्मी पापा बीबी पति बेटा को देखने और चिपटाने को व्याकुल है। हमारे पास और छठी कोई चीज है ही नहीं। इसी पांच इंद्रियों के लिए इतना बड़ा संसार बनाया है भगवान ने, देखने का अनंत संसार, खाने का भी अनंत संसार। आपने कलकत्ता का रसगुल्ला खाया? नहीं रे, फिर क्या खाया आपने? आपने मुगल गार्डन देखा? नहीं है तो फिर क्या देखा आपने? इंडिया में कुछ नहीं देखा। आप न्यूयॉर्क गए हैं? नहीं है क्या आपकी जिंदगी है? वहां जाके देखो जरा, और ऊंची ऊंची बिल्डिंग। तो एक एक इंद्रिय के लिए अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में कितने स्थान है। लेकिन ये देखने की कामना, सुनने की कामना, ये क्यों पैदा होती है? कोई कामना क्यों पैदा होती है? अगर कामना न पैदा हो, बस आराम है। आप लोग गहरी नींद में सोते हैं? गहरी नींद जब सपना नहीं देखते, हाँ कभी कभी सोते हैं, तो उस समय क्या होता है? बड़ा आनंद मिलता है, सबसे बड़ा आनंद। उतना आनंद न बाप से, न माँ से, न बीबी से, न पति से, न किसी से, इतना बड़ा आनंद। अरे जब हम लोग जागृत से स्वप्न में घुसते हैं तो सबसे बड़ा आनंद होता है। वो बेटा लेटा है, अरे नींद आ गई, तो वो जो नींद आई जागृत अवस्था से नींद में घुसे, उस समय इतना सुख मिला कि बेटा मर गया, मर जाए, हम आनंद में सो रहे हैं। बगल में बीबी लेटी है, भाड़ में जाए बीबी बीबा, हा गहरी नींद में सोए। ये भगवान ने फ्री में दिया है हमको इतना बड़ा सुख। गधे को भी, गधे भी सोते हैं सुषुप्ति अवस्था में, बल्कि बड़े बड़े अमीरों को तो नींद की गोली खानी पड़ती है, और गरीब लोग तो फुटपाथ पर खर्राटे में सोते हैं। तो ये संसार के जो सुख हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन ये कब मिलते हैं? जब कोई कामना ना हो। चुप,
अरे एक इंजेक्शन दे देता है डॉक्टर और वो बेहोश हो गया, आनंद में सो रहा है, उसको काट रहे हैं बुरी तरह से, ऑपरेशन हो रहा है। तो कामना ना हो ऐसा अगर हो, लेकिन क्यों, कामना का रीजन क्या है वो पता लगाओ, वो रीजन को काट दो तो बात खत्म। जिस कीटाणु से बीमारी पैदा होती है डॉक्टर लोग उस कीटाणु को मार देते हैं, बस बीमारी खत्म। अगर रीजन खत्म तो उसका जो कार्य है वो भी खत्म। तो कामना क्यों पैदा होती है, जिसका जिसमें अटैचमेंट होता है उसी की कामना पैदा होती है। सबको एक कामना नहीं पैदा होती। एक भिखारिन का काना काला कुरूप बच्चा खो गया है, उसको उसी के देखने की कामना हो रही है। बगल में बड़े सुंदर सुंदर लड़के लेटे हैं, जा रहे हैं, देख रही है, ये हमारा वो लड़का, वो कहाँ होगा, दो दिन से नहीं मिला। अरे ये सुंदर सुंदर लड़के हैं, देखना इनको। अरे क्या देखा इनको, मुझे नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खाया जा रहा है। उसकी कामना है। शराबी कहता है रसगुल्ला नहीं चाहिए, शराब चाहिए। बीबी नहीं चाहिए, शराब चाहिए। ओ जिसका जहां अटैचमेंट है उसी की कामना पैदा होगी, ये फार्मूला याद कर लो। अब चूंकि सबका अटैचमेंट अलग अलग जगह है इसलिए सबकी अलग अलग कामना है, और कामना पूरी हो गई तो लोभ पैदा हो गया। 1 लाख की इच्छा थी, आज मिल गया, अब 2 लाख हो जाए, 2 लाख भी हो गया, अब 4 लाख हो जाए। और अगर कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध आ गया। अब 2 में 1 बात तो होगी, या तो कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी। अगर पूरी हुई तो डेंजर लोभ, नहीं पूरी हुई तो और डेंजर क्रोध, हम मर गए। और कामना ना हो ये इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा अटैचमेंट कहीं ना कहीं है। और ये अटैचमेंट क्यों होता है, उसका भी कोई रीजन है। हाँ एक रीजन है, वो क्या, हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। अब कहां मिलेगा हैप्पीनेस, ये प्रश्न आया, तो उसका उत्तर अलग अलग। एक ने सोचा यहां आएगा तो वहां अटैचमेंट हो गया, दूसरे ने सोचा यहां आएगा उसका वहां अटैचमेंट हो गया, सबका अलग अलग। तो अगर आनंद की कामना मिट जाए तो सब बवाल खत्म। लेकिन आनंद की कामना हमारा नेचर है, नेचर, नेचर माने जो कभी न बदल सके। जैसे आग का नेचर है जलाना, प्रकाश करना,
ऐसे ही आनंद हमारा माने आत्मा का नेचर है। क्यों? इसलिए कि हम आनंद रूपी भगवान के अंश हैं। हमारा वेद उत्तर देता है इस प्रश्न का, और किसी धर्म में नहीं है। वेद कहता है भगवान का दूसरा नाम है आनंद, आनंदो ब्रह्म, और हम उसके अंश हैं। तो हर एक अंश अपने अंशी को चाहता है, नेचुरल। जैसे मिट्टी का ढेला पृथ्वी का अंश है, वो पृथ्वी से प्यार करता है। सब नदियां समुद्र के अंश हैं, समुद्र की ओर जाती हैं। ऐसे ही आनंद पाने की हमारी स्वाभाविक इच्छा है, उसको हम नहीं काट सकते। अनंत जन्म बीत गए, कोई नहीं काट सका। आनंद का स्थान कोई कहीं माने, लेकिन आनंद ही सब चाहते हैं। ए क्यों रो रहे हो तुम? आनंद के लिए। तुम हंस क्यों रहे हो? आनंद के लिए। तुम खड़े क्यों हो गए? आनंद के लिए। तुम बैठ क्यों गए? आनंद के लिए। तुम सो क्यों गए जी? आनंद के लिए। क्रियाएं विरोधी हैं, लेकिन एम उद्देश्य एक है, आनंद। आनंद कहाँ है, कैसे मिले, क्या करें? सारी जिंदगी आप लोगों ने तिकड़म सीखा। तिकड़म कहते हैं उसको, 420। किसी से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बोलना चाहिए, ऐसी एक्टिंग करनी चाहिए, यही सीखा। इसी को एटिकेट कहते हैं लोग, बनावट, शो, दिखावा। 420। लेकिन क्यों? आनंद के लिए। हमको एक धोखा है बड़ा भारी। क्या इसके पास आनंद है? इससे हमको मिल जाएगा, ये बाप से, माँ से, बीबी से, पति से, बेटे से। अरे वो तुमसे बड़े भिखारी है, वो तुमसे आनंद चाहते हैं, तुमको क्या देंगे वो? यहां किसी के पास आनंद नहीं है। आनंद तो भगवान के पास है ना, उसके हम अंश हैं। ये संसार तो भगवान ने शरीर चलाने के लिए बनाया है, चलाने के लिए। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, खाना पीना, सांस लेना, ये शरीर को ठीक ठीक रखने के लिए, विटामिन प्रोटीन सब ठीक ठीक दो तो स्वस्थ रहेगा, तो उस आनंद की साधना कर सकोगे। तुम इसमें आनंद ढूंढ रहे हो? अजी मैंने देखा था, सफेद सफेद पानी एक आदमी ने मथा और मक्खन निकल आया, फिर घी बन गया। तो हमने भी उस सफेद सफेद पानी को मथा, लेकिन वो चूने का पानी था, और हजारों साल मथा, मक्खन नहीं निकला। अरे तो उसमें मक्खन है ही नहीं, तो कहां से निकलेगा गधे? स्वर्ग लोक के ब्रह्म लोक तक कहीं आनंद नहीं है। तो आनंद हमारा नेचर है, उसकी कामना हमको करनी पड़ेगी। रूस हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई हो, आनंद एक एक चींटी से ब्रह्मा तक
केवल आनंद चाहता है, उसकी कामना के लिए कैसे पूर्ति हो, इसी के लिए मम्मी है, डैडी है, बीबी है, पति है, रसगुल्ला है, सब संसार है। ये भी आ जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, आनंद नहीं मिला, सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ मिल गया। कितनी कामनाएं पूरी हो गई आपकी, जब एक दिन आपकी इच्छा थी कि पहली दर्जा, पहली कक्षा में पास हो जाए, ए बाबा जी से चलो आशीर्वाद ले कि हम पहली कक्षा में पास हो जाए, हो गए, हाँ दूसरी में भी, हाँ बीए हो गए, एमए हो गए, आईएएस में आ गए, हाँ सब होता गया, लेकिन आनंद नहीं मिला, वहीं के वहीं खड़े, वो हाय हाय बंद नहीं हुई। तो आनंद की कामना क्योंकि हम भगवान के अंश हैं इसलिए रहेगी, इसलिए उसकी आनंद की कामना की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं कामना बनाएंगे, इससे आनंद मिल जाए। बस बीमारी लग गई, अब फंस गए हम, अब उस कामना की पूर्ति होगी तो मरे, पूर्ति नहीं हुई तो मरे, आनंद नहीं मिलेगा। तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जाए कैसे? जब आनंद दे दे कोई संत भगवान कोई भी, आप चले जाएंगे, सब माया फाया सब भागेंगे, अपना अपना बिस्तर बांध के। लेकिन अपने आप कौन दे देगा? अनंत जन्म बीत गए, भगवान आए अनंत बार अवतार लेके, और सबके अंदर भी बैठे हैं और सर्व व्यापक भी हैं, कोई लाभ नहीं, तो कौन दे देगा? एक गुरुजी ऐसा बोल रहे थे कि हम कृपा से दे देंगे। अरे अगर कोई गुरु कृपा करके दे देता तो सारे संसार को दे देता, फिर क्या बात है, ये संसार ही क्यों रहता? वो सोच लेता, सारे जीवो मैं संकल्प करता हूं कि सबको भगवान का आनंद मिल जाए, बस छुट्टी, हम लोगों को छुट्टी हो जाती। ऐसा कोई महापुरुष न हुआ न होगा, कोई भगवान का अवतार ऐसा हुआ न होगा, इसकी आशा में नहीं रहिए आप लोग। आनंद क्या, कहां केंद्र है, वो सब समझना होगा, कैसे मिलेगा आनंद, वो सही सही साधना करनी होगी, दूध को मथना होगा चूने के पानी में, वो घी नहीं निकलेगा। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारे दुश्मन हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते। आजकल कुछ बाबा लोग ऐसे हैं हमारे देश में, वो रजिस्टर रखते हैं और जब कान फूंक के चेला बनाते हैं तो कहते हैं देखो एक चीज छोड़ो। क्या छोड़े? अरे काम, क्रोध, लोभ, मोह में एक चीज छोड़ो, साइन करो। क्या छोड़े? ओ, साइन कर देगा, लोभ छोड़ा। अरे ऐसे छोड़ा? बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तो छोड़ नहीं सके, ये गधा छोड़ेगा। और वो बाबा जी इतने महामूर्खानंद जो ये करवाते हैं, ये जाए आएंगे नहीं, फिर क्या करें? इनको मित्र बना लो, बेवकूफ बना लो। बेवकूफ बना ले, हाँ इनको रहने दो प्यार से, हाँ हाँ आओ और आओ तुम लोग। अच्छा हमको और बुला रहे हो? हाँ हाँ, लेकिन एरिया बदल दो,
जैसे ये आंख संसार देखने को व्याकुल है, माँ बाप बेटा स्त्री पति को, ऐसे श्याम सुंदर के देखने को व्याकुलता बढ़ाओ। क्यों? इसलिए कि तुम जो आनंद चाहते हो यहां नहीं है, वहां है, बाय रीजन समझ कर। अरे देखो, एक 18 साल की लड़की अपने मायके के हर सामान में अटैचमेंट रखती है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जिस दिन ब्याह होकर ससुराल में पैर रखा, ये मेरा मकान है, अच्छा अच्छा ये मेरी गाड़ी है, अच्छा अच्छा वो तो भैया का। कोई उसने अभ्यास किया? नो, एक सेकंड में यहां आत्मीयता हो गई। रात को चोरी हो गई घर में, उसके पति, उसके ससुर सास सब छाती पीट रहे हैं, वो भी रोने लगी, क्या हुआ है तुझको? अरे वो सब चोरी हो गया। अरे तो तू तो अभी कल आई है वहां से, अरे तू मेरे ही तो था वो भी, क्या हो गया जादू? ऐसे ही जब हमारी बुद्धि में बैठ जाए हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, और आत्मा का एक परमात्मा ही है आनंद दाता, ये तो सब टेम्परेरी है। जैसे ट्रेन में हम एक सीट पर बैठे हैं, एक पर दूसरा बैठा है, आप कहां जाएंगे? कानपुर। आप? हम इलाहाबाद जाएंगे। अच्छा अच्छा इलाहाबाद आ गया, अब हम उतर रहे हैं। है साहब, आप उतर रहे हैं, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। तो साहब आप भी चलिए। अरे साहब मैं वहां कैसे जाऊंगा, मेरा तो कानपुर में घर है। जी तो सब ऐसे ही है, तो वो बीबी है, वो माँ है, वो बाप है, जितने दिन के लिए वो आया है कर्म के अनुसार, टाइम पूरा हो गया, चला। अरे वो भी गया, वो भी गई, वो मैं तो अकेला रह गया। अजी हाँ, ऐसे ही तो होता है रोज, रोए जाओ तुम सबके लिए। धृतराष्ट्र ने कहा भगवान से कि मेरे 100-100 पुत्र सब मारे गए और मैं अंधा उनके रोने के लिए बैठा हूं, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है? मुझे याद है मैंने इस जन्म में कोई पाप ऐसा नहीं किया। भगवान ने कहा इसके पहले जन्म में, वो भी याद है, उसके पहले जन्म में, वो भी याद है, उसके पहले जन्म में, वो नहीं याद है, तो अनंत माइनस 3। अरे अनंत जन्म में से 3 जन्म का तुम हिसाब कर रहे हो, कितने पाप कर रखे हैं अनंत जन्मों में, उसका फल तुम्हीं को तो भोगना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं भोगेगा। तुमने अगर चने की दाल खाई है तो उसी की उल्टी तुम करोगे, गेहूं की उल्टी नहीं करोगे। सबको अपने ही कर्म का फल मिलता है, भोगना पड़ता है। ज्ञानी भुगते ज्ञानते, मूर्ख भुगते रोए, रोना सबको है। महापुरुष हंस के भोगेगा, अज्ञानी रो के भोगेगा, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ेगा। अरे भगवान राम के बाप भी मरेंगे और श्री कृष्ण बैठे हैं मामा, अर्जुन गीता ज्ञानी महापुरुष, ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार, अभिमन्यु मारा गया, उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में, और सब बैठ के शोक मना रहे हैं।
अरे कुछ करो ना, तुम भगवान तीन तीन पर्सनैलिटी हो। नहीं, ये तो कोर्ट का मामला है, जज साहब कोर्ट में फैसला करेंगे, हम दखल नहीं दे सकते। इसके कर्म का हिसाब ऐसे ही है, जाना है जाएगा, तो भगवान का बाप हो चाहे किसी का हो, कोई दखल नहीं देंगे भगवान। अवश्यमेव भोक्तव्यम, तो अपनी कामना भगवान के निमित्त बना दो। बस एक काम, समझ करके, जबरदस्ती नहीं। जैसे उस लड़की ने समझ लिया ये ससुराल हमारा घर है, ऐसे तुम भी समझो मैं आत्मा हूं, मेरा नाता और कहीं हो ही नहीं सकता। अनंत माँ बना चुके, अनंत बाप बना चुके, अनंत जन्म में अनंत बेटा, अनंत बेटी, अनंत पति, कहाँ है वो? अजी वो मर गए, उसके बाद दूसरा बना, फिर वो हम समझते हैं ये हमारा है, वो भी गया, तीसरा आया, ये हमारा है, वो भी गया। अरे क्या तमाशा हो रहा है? हाँ जी ऐसे ही है नाटक। हमारा जो असली है वो सदा हमारा है, इस जीवात्मा के साथ परमात्मा सदा रहता है, एक ही जगह हृदय में। हम उसको रियलाइज नहीं करते, अपने आप को तो रियलाइज करते हैं, मैं जो मैं कल बंबई में था वही मैं आज यहां बैठा हूं, जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं यहां बैठा हूं। अरे मेरे साथ मेरा बाप भी सदा रहता है, आत्मा का बाप परमात्मा। मानो, मान लो, काम बन जाएगा, जिद मत करो। वेद शास्त्र झूठे नहीं है, जिसने मान लिया वो तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, वल्लभाचार्य बन गया, और जिसने जिद किया नहीं मानते तो घूमो 84 लाख में, अभी पेट नहीं भरा और घूमो। ये जिद चलेगी नहीं। जैसे संसार में देखो, कोई कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर होता है, जब तक पोस्ट है सलाम करते हैं, रिटायर हो गया एक कांस्टेबल भी नहीं पूछता। रिटायर होना है सबको, हाँ होना तो है, फिर क्या होगा उस समय? दो होगा, भोगेंगे, क्या करेंगे, होना तो है ही है, एक दिन वो समय तो आएगा ही बुरा। तो ऐसे ही हमको सोचना है, हम आत्मा है, हमारा एकमात्र नाता परमात्मा से ही है, वे ही हमारे हैं, तो उनकी कामना पैदा होगी। और वे नहीं मिले, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, तो फीलिंग होगी, वो तो दीन बंधु है, मैं दीन नहीं बन रहा हूं, यही कमी है मेरी। ये फीलिंग लाओ, जब कंप्लीट दीन बन जाओगे, कंप्लीट सरेंडर करोगे, बस हो गया, वो आनंद मिलेगा, वो भगवान मिलेगा, तब माया भागेगी सिर पर पैर रखकर। उसके जो लेबर हैं, उनके नौकर चाकर हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनका क्या, फिर कहां इनकी गति है कि वहां रखे आपके हृदय के घर में? तो ये मित्र बन जाएंगे, यानी भगवान के निमित्त हो गए तो ये मित्र हो गए, अब हितैषी हो गए तुम्हारे। अब तो वो बोलेगा लोभ
आओ आओ। प्रेम और बढ़े। अरे भगवत प्राप्ति तो हो गई, अब बस करो ना, बस नहीं, और प्रेम बढ़े और आनंद मिले और प्रेम बढ़े। ये लोभ बढ़ते ही जाएगा सदा, इस रस का अंत नहीं है कहीं। प्रतिक्षणम वर्धमानम, ये सब बात बाद में होती रहेगी। मेन बात यहां आ जाइए फिर से कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारा नेचर है आनंद पाना, और वो आनंद भगवान से ही मिलेगा। ये बुद्धि में डिसीजन लाओ और भगवान की ही फिर कामना पैदा होगी नेचुरल। बस ये काम क्रोध लोभ मोह भगवान के निमित्त हो जाएंगे और तुम सदा को मालामाल हो जाओगे। राधे।